मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट पंप के बारे में। क्या है ब्रेस्ट पंप, इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कौन इसको इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसी कई सारी बातें जो शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत आपको ना हो, पर शायद आपके कोई भी रिलेटिव जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको इसकी ज़रूरत हो, तो उसको ये बहुत ही काम आने वाला है। तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, हम इसके बारे में पूरी विस्तार से डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनहर गोस्वामी, पीडियाट्रिशियन और आपका बच्चों का डॉक्टर। एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और आपको कुछ नया सिखाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है और उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी सारे वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ वो आपको आसानी से आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट पंप क्या है। मित्रों, ये एक तरह का पंप है जो हाथ से मैन्युअली काम करता है। इसकी मदद से आप जो भी माता है वो अपनी छाती से दूध बाहर निकाल सकते हैं, ताकि वो अपने बच्चे को आसानी से पिला सके। सारी ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में बच्चा डायरेक्टली मम्मी से दूध नहीं पी सकता है। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि मम्मी को अपनी छाती से दूध निकाल के बच्चे को ऊपर से देना पड़े। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है वर्किंग वुमन। ऐसी कंडीशन जहाँ पे मम्मी बाहर काम करती है, 9 to 5 जॉब करती है, या कोई भी काम करती है, जहाँ पे मम्मी 24 घंटे के बच्चे के साथ अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में मम्मी अपनी छाती का दूध पहले से निकाल के फ्रिज में या स्टोर कर सकती है। जब बच्चे को ज़रूरत पड़े तो आप वो दूध बच्चे को दे सकते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है मम्मी बीमार हो, कोई भी ऐसा कारण हो जहाँ पे मम्मी को कोई इन्फेक्शन लगा हो, या किसी कारण से वो बीमार हो, हॉस्पिटल में हो और बच्चा मम्मी के साथ नहीं हो, ऐसी कंडीशन में भी आपको बच्चे को मम्मी का दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बगैर उसको छाती से दूध निकालने के बाद। तीसरी कंडीशन होती है जब बच्चा बीमार होता है। कई बार बच्चा कमज़ोर होता है, आधे अधूरे महीने पे आता है, या कोई ऐसी कंडीशन या बीमारी होती है जहाँ पे बच्चे को NICU में या दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी मम्मी को अपनी छाती से दूध निकाल के बच्चे को मुंह से ऊपर से देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मम्मी के छाती में कुछ प्रॉब्लम हो। जैसे कि दूध जम गया हो, बच्चे को दूध पिलाने के समय मम्मी को दर्द होता हो, निप्पल में कुछ प्रॉब्लम हो, निप्पल में क्रैकिंग हो गया हो, या तो निप्पल इन्वर्टेड है, निप्पल अंदर की साइड है, ताकि बच्चा निप्पल या तो छाती मुंह में अच्छी तरह से नहीं ले पा रहा है और दूध नहीं पी पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको छाती से दूध निकाल के बच्चे को देना पड़ सकता है। चौथी कंडीशन है, थोड़ी रेयर कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे का मुंह में, यहाँ पे होठ में, मुंह में या ताड़वे में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा डायरेक्टली मम्मी से छाती से दूध नहीं पी सकता है। चौथी कंडीशन। और पांचवी कंडीशन है वैसे ये कंडीशन बहुत कॉमन नहीं है, बट अभी मेट्रो सिटी में काफ़ी जगह पे ह्यूमन मिल्क बैंक भी बन चुकी है। तो ऐसी बैंक जहाँ पे मम्मी का दूध संभाल के रखा जाता है, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, अगर वो चाहे तो वहाँ से ले सकता है, जैसे कि ब्लड बैंक होती है। तो जब भी आपको डोनेट करना हो ह्यूमन मिल्क, तब आपको ब्रेस्ट पंप की मदद से छाती से दूध निकाल के उसको स्टोर कर सकते हैं और ह्यूमन मिल्क बैंक में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये प्रोसीजर होती है जिसकी मदद से हम ब्रेस्ट पंप की मदद से छाती में से दूध निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको डिटेल में ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसमें पूरी तरह से आपको समझाया गया है कि छाती में से ब्रेस्ट पंप की मदद से दूध कैसे निकाला जा रहा है।
तो आप ये वीडियो देखें। मम्मी का दूध ही बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है और 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मम्मी का दूध ही देना चाहिए, ये सभी पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करते हैं। इसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन नहीं लगता है, एलर्जी नहीं होती है और बच्चे का ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ भी सबसे अच्छा होता है। तो बच्चे को हो सके तो 6 महीने तक मम्मी का दूध ही देना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं फिलिप्स के एवन ब्रेस्ट पम्प के बारे में। ये ब्रेस्ट पम्प ऑनलाइन कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपको अमेजन से ख़रीदना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से इसको खरीद सकते हैं। मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये सबसे अच्छा बेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ है, BPA फ्री प्लास्टिक है और इसका जो सिलिकॉन मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबल है और इसको आप लंबे समय तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको इसको अच्छी तरह से क्लीन करना होगा, स्टरिलाइज करना होगा। जैसे कि आप फीडिंग बोतल को क्लीन करते हैं, स्टरिलाइज करते हैं, इसी तरह इस पंप को भी आपको अच्छी तरह से क्लीन और स्टरिलाइज करना होगा। उसकी ये मेथड मैंने आपको वीडियो में बता रहा हूँ। इसको पहले अच्छी तरह से क्लीन करिए, स्टरिलाइज करिए और फिर ही उसका यूज़ करिए। अब ये जो क्लीन किए हुए अलग अलग पार्ट है उसको हम जोड़ेंगे, तो उससे पहले सबसे पहले आप अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। फिर जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं पूरे पार्ट्स को एक एक करके जोड़िए और पूरा पंप तैयार कीजिए। अब आपका ब्रेस्ट पंप तैयार है इसको यूज़ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो अपना कोई भी मनपसंद म्यूज़िक लगाइए, रिलैक्स होइए और अपने बच्चों की फ़ोटो सामने रख के कोई भी अच्छी सी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और पीछे कोई भी अच्छा तकिया रखें ताकि आपकी बैक को अच्छी तरह से सपोर्ट मिले। अब ये ब्रेस्ट पंप को अपनी छाती पे अच्छी तरह से लगाइए। याद रखिए आसपास में कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए। इनिशियली आपको 2-3 बार जल्दी जल्दी से पंप करना है ताकि जैसे बच्चा अपनी माँ की छाती से दूध पीता है ऐसा नेचुरल प्रोसेस बने। अपने एक हाथ से अपनी छाती को थोड़ा सपोर्ट दीजिए और धीरे धीरे पंप करना चालू करिए। 1-2 मिनट में ही धीरे धीरे मिल्क आना चालू हो जाएगा। एक बार मिल्क आना चालू हो जाए तो प्रोसेस को थोड़ा धीमा कर दीजिए, फिर अपने आप ही दूध आना कंटिन्यू रहेगा। एक बार में आप 10 से 15 मिनट तक ब्रेस्ट पंप से पंप करिए, इतने में मिनिमम 60 से 120 ml तक मिल्क आसानी से आ जाता है। याद रखिए ये प्रोसेस बिल्कुल ही पेन फ्री है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। अगर ये प्रोसेस करने में आपको दर्द होता है तो आप ये प्रोसेस थोड़ी देर मत करिए। हाँ, अगर आप 5 मिनट तक कंटिन्यू ब्रेस्ट पंपिंग करते हैं और फिर भी मिल्क नहीं आता है तो ये प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। फिर वापस आप 1-2 घंटे के बाद रिलैक्स होके पानी पी के वापस ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट में एंगोर्जमेंट हुआ है यानी कि ब्रेस्ट में मिल्क जम गया है तो याद रखिए पहले आपको थोड़े गर्म पानी से अपनी छाती पे लगाना है ताकि मिल्क जल्दी से निकल जाए और अपने एक हाथ से हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा मसाज करते हुए छाती को दबाना है ताकि मिल्क आसानी से आ जाए। तो है ना एकदम आसान प्रोसेस, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। तो अब हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क इकट्ठा हो गया है, अब हम इसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने से पहले उसके ऊपर लेबल कर दीजिए जिसके ऊपर डेट और टाइम लिख दीजिए और इसको रेफ्रिजरेटर में आप 48 घंटे तक सुरक्षित रख सकते हैं ताकि जब भी बच्चे को ज़रूरत पड़े आप दे सकें। याद रखिए अगर आप उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो 3 महीने तक उसको स्टोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, आपका नॉलेज काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा होगा।
हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना हो, बट आपके जान पहचान में कोई भी ऐसी महिला या माता हो जिसको इसकी ज़रूरत हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। इसमें ये मैनुअल भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैनुअल सबसे बेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा महंगा ज़्यादा आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनहर गोस्वामी, पीडियाट्रिशियन और आपका बच्चों का डॉक्टर। मैं आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में, हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छी अच्छी माहिती, वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ और यहाँ पे डालता रहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे बनाए हुए वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहे, हेल्दी रहे और अपने बच्चों का ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।